अब तक तो पांच हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो पांच हमने मारे हैं, लावणी में मारा और चाहे भैरोड़ में मारा चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो पांच हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, मतलब अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो को किसी को खुलम खुला छूट दे रखी है, बड़ी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। अरे रे, आप गलत समझ रहे हैं, ये बयान किसी माफिया डॉन या किसी गुंडे का नहीं है, बल्कि यह कहना है पूर्व विधायक और भाजपा के दिग्गज नेता ज्ञानदेव आहूजा का। हाल ही में अलवर के गोविंदगढ़ बॉम्ब लिंचिंग मामले में शुक्रवार को अलवर पहुंचे ज्ञानदेव आहूजा ने मृतक चिरंजी लाल के परिजनों से बातचीत करते हुए यह जोरदार बयान दिया है। लेकिन जमाना हाई टेक्नोलॉजी का है, भूल गए कि आज हर जगह सोशल मीडिया तथा कथित पत्रकार मौजूद है। सो ऐसा धुआंधार बोलते हुए ज्ञानदेव आहूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि अब पूर्व रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा का यह बयान उनके गले की पास बनता नजर आ रहा है। एक तरफ इस बयान को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 153A में मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं भाजपा ने भी आहूजा के इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा कि यह ज्ञानदेव आहूजा का अपना बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर मामले के सामने आते ही मौके की ताक में बैठे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ज्ञानदेव आहूजा के साथ साथ भाजपा को भी लपेटे में ले लिया है। यहां आपको बता दें कि NCR की सीमा से लगता अलवर जिला प्रदेश की राजनीति का गढ़ बन चुका है। हाल ही में यहां गोविंदगढ़ में एक सब्जी विक्रेता के साथ हुई मॉब लिंचिंग की घटना, जिसमें चिरंजी लाल की मौत हो गई है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के तमाम नेता इन दिनों यहां पहुंच रहे हैं। बता दें कि 14 अगस्त को अलवर के गोविंदगढ़ के पास एक गांव में चिरंजी लाल सैनी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। मॉब लिंचिंग के इस मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब भाजपा का प्रतिनिधि मंडल अलवर पहुंचा। भाजपा ने इस मामले को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार पर हमला बोला, तो वहीं भाजपा नेता इस पूरे मुद्दे को भुनाने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि चिरंजी लाल के घर पर परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में रामगढ़ के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा शुक्रवार को चिरंजी लाल के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान मृतक के परिजनों के घर पर लोगों से बातचीत करते हुए ज्ञानदेव आहूजा ने यह विवादित बयान दिया और कहा कि अब तक तो पांच हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो पांच हमने मारे हैं, लावणी में मारा और चाहे भैरोड़ में मारा चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो पांच हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, मतलब अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो को किसी को खुलम खुला छूट दे रखी है, बड़ी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। करो फिर, बोल क्या है करेंगे, मेरे को दोबारा जयपुर जाना है मैडम, अभी तो ये। इस दौरान आहूजा के बयान का किसी ने वीडियो बना लिया जो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिग्गज भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि अब तक पांच हमने मारे, कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी थी कि मारो, जमानत हम करवाएंगे। डोटासरा ने कहा कि भाजपा के मजहबी आतंक और कट्टरता के और क्या सबूत चाहिए, पूरे देश में भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। गोविंद सिंह डोटासरा के इस ट्वीट के बाद प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति गर्मा चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के निशाने पर चल रही कांग्रेस के लिए यह बयान बड़ी राहत देने वाला हो सकता है, जिसका पता आने वाले दिनों में चलेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।